चैनल में मैं हूँ सुनैना और आज मैं आपको अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है और ये साड़ी से काट के निकाला हुआ मेन फैब्रिक है। ठीक है, सबसे पहले हम अस्तर पर मार्किंग करेंगे। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड में किया हुआ है और हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि हम 38 साइज का बना रहे हैं। तो चौड़ाई में 11 इंच तक मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है और इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने ये अलग कर लिया है ब्लाउज को। अभी ये मेन फैब्रिक डबल में नहीं है, सिंगल में ही है। ठीक है, अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ठीक सेंटर पर मार्क लगा लेंगे। मेन फैब्रिक का जो सीधा पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को इस तरह रख देंगे और एक सिलाई यहाँ पर चलाना है। ठीक है, तो हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब ये कपड़े की सीधी साइड है और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे ना है और अस्तर की साइड से सिलाई लगाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह सिलाई लगा लिए है। तो इस तरह से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये बीच सेंटर है, यहाँ से हम 3.5 पर मार्क करेंगे प्लेट के लिए और एक 3.5 पर यहाँ से इस तरह भी मार्क कर लेंगे और प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच। इस तरह से बैक पार्ट के प्लेट के लिए लेना है और यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच यहाँ से दबाएंगे और 1/2 इंच यहाँ से दबाएंगे प्लेट्स के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको भी सिलाई लगा लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उस चौड़ाई, इसकी चौड़ाई रखी है 12 इंच, लेंथ के लिए 16.5 पर निशान लगाएंगे। कट करने के बाद अभी हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। देखिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो मेन फैब्रिक का जो सीधा पार्ट है उसको बाहर की तरफ रखना है, तब सिलाई लगाना है। तो इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने ये बीच में ठीक सेंटर पर एक सिलाई लगाया है ब्लाउज पीस पर और साइड्स पर भी सिलाई लगाया है, दोनों साइड्स पर। अब बीच सेंटर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अस्तर को हमने सिलाई लगाकर अच्छी तरह अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बाकी मार्किंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है और यहाँ से हम 1/2 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन के उधर से ही हमें मार्किंग करनी है। और गले के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच। और गले की डीप के लिए मैं रख रही हूँ 6.5। आप गले की डीपनेस जितना भी रख सकते हैं। और यहाँ से मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। और एक बॉक्स बना देंगे। इस लाइन की इधर से शोल्डर पर मार्क करेंगे 6 इंच और शोल्डर डाउन के लिए
सारे 5 पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ से हम सिर्फ 1 इंच ही लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर के ऊपर से यहाँ से 1/2 इंच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी सिलाई वाली लाइन है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इस लाइन से 13.5 पर एक निशान लगाएंगे। स्ट्रेट कर देंगे इस लाइन को और फिर इस लाइन से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। फिर इस लाइन से, ये देखिए, इस लाइन से 3.5 पर एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए और 2 इंच एक लाइन ड्रॉ करेंगे टक्स के लिए और यहाँ से यहाँ राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से 9.5 पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये 38 साइज का मैं बना रही हूँ तो 38 का 4th पार्ट होगा 9.5, तो मैं 9.5 पर एक निशान लगाऊंगी। और स्ट्रेट कर देंगे इस लाइन को भी और यहाँ से ये 2 इंच मार्जिन के लिए है। बस यहाँ सेंटर निकालेंगे तो यहाँ हमारा सेंटर आ रहा है, यहाँ एक निशान लगाएंगे और ये 2.5 इंच तक इसको बढ़ा देंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर इस टक्स को रखेंगे तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट करके अलग कर देंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट के लिए मार्किंग किया हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। लेंथ इसकी 14 इंच रखेंगे, यहाँ से हमारी सिलाई चलेगी और नेक है 2.5 इंच और नेक की जो डिपनेस है उसको मैं 6.5 रख रही हूँ। शोल्डर 6.5 पर निशान लगाएंगे और 5.5 पर। अब क्योंकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ हम 2.5 इंच के लिए आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट करेंगे। हो गई है, कटिंग भी हो गई है। क्लिप्स की लेंथ जो है वो मुझे 9 इंच रखनी है,
तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 10 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से डाउन 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। हमारे स्लीव्स और स्लीव्स की गोलाई मैं 5.5 रख रही हूँ। यहाँ से हम 6.5 रखेंगे। मिला देंगे इन दोनों लाइन पॉइंट्स को। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और यहाँ इसके बाद राउंड शेप देना है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स की जो आर्म होल जो है 7.5 पर बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब ये देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह रखेंगे। मेन फैब्रिक भी 4 फोल्ड में है। ठीक है, 2, 3, 4, ये 4 फोल्ड में है और इस स्लीव्स को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए स्लीव मेन फैब्रिक में कपड़ा थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर फैब्रिक ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स पर बीच सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे और यहीं पर सिलाई लगाएंगे। तो इस अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरह से रखकर में एक सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई इधर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। सिलाई लगाने के पहले ये जो हमने लेस अलग किया था पहले लेस को इसमें अटैच कर लेंगे तब सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी कटिंग हो गई है। एक ये फ्रंट पार्ट है, ये इसकी बेल्ट है, ये बैक पार्ट है, ये दोनों स्लीव्स हैं, ये बॉर्डर है और ये हुक के लिए पट्टी है, ये हाई के लिए पट्टी है और ये गले के लिए उरेबी पट्टी है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्रोफेशनल तरीका तो नहीं है पर अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।